अब हम प्रॉब्लम नंबर थ्री पॉइंट फिफ्टीन में देखते हैं हमें क्या क्या गया इन एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थर्टीन एंड थ्री पॉइंट फोर्टीन वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी नो सच डिस्टिंगशन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी द इंस्टेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेनियस वेलोसिटी वाई अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि कि जो मेरी इंस्टेनियस स्पीड है वो ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेनियस वेलोसिटी के होती है वाई जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर थ्री पॉइंट थर्टीन थ्री पॉइंट फोर्टीन में किया था कि जो मेरी एवरेज स्पीड है एंड जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है वो अलग अलग आ रहे हैं सो so, अब देखते हैं कि जो इंस्टेंस स्पीड है और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंस बलॉसटी है वो इक्वल आते हैं क्यों वाई सो स्टार्ट करते हैं बाय डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं कि द स्टेनियस विलॉसटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज सो हम इसे इंस्टेनियस विलोसिटी को वी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो एरोज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिस टू जीरो इन डेल्टा एक्स चेंज इन पोजिशन ओवर डेल्टा टी चेंज इन टाइम और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह देते हैं डी एक्स बाय डी टी सो अब इसका मतलब समझते हैं मतलब डेल्टा टी रिप्रेजेंट करें चेंज इन टाइम लाइक टी टू फाइनल टाइम और टी वन इनिशियल टाइम जो इनका चेंज होगा उसे हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसी तरह डेल्टा एक्स से हम रिप्रजेंट करते हैं पोजिशन फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन सो इट विल बी डेल्टा एक्स सो इसका क्या मतलब है डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो मतलब कि जब इनका डिफरेंस करेंगे हम लाइक टी टू माइनस टी वन का तो जो डेल्टा टी की वैल्यू है बहुत बहुत ज़्यादा कम आएगी ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो नहीं होगी मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो फॉर एग्जांपल यहां पे हम थोड़ा सा कंसिडर करके देख लेते हैं लाइक like, मैं टेन सेकेंड ले लेता हूँ जीरो ज़ीरो टू माइनस और टी वन में ले लेता हूँ टेन सेकेंड सो अगर इनका डिफरेंस करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेकेंड्स तो ये टाइम तो है पर बहुत कम टाइम है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं इसे हम कंसिडर कर सकते हैं आलमोस्ट अप्रोचेज टू जीरो के इक्वल सो स्टार्ट करते हैं अब हमने कहा था कि जैसे हम टाइम बहुत छोटा ले रहे हैं सो so इसके कारण क्या होगा कि जिस टाइम इंटरवल में जो हमारी डायरेक्शन है वो चेंज ही नहीं होगी ठीक है तो आप एक कंसिडर करके देख लेते हैं लेट मेरे पास यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है सो so, एक मेरा पार्टिकल है जो इसमें मूव कर रहा है एंटीक्लॉक वाइज इन अ सर्कुलर मोशन ठीक है सो लेट मैं यहाँ पे एक्स पोजिशन ले लेता हूँ इसकी और यहाँ पे टाइम हॉरिजोनटल में टाइम वर्टिकल में पोजिशन सो so, अब मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बहुत थोड़े टाइम में क्या हो रहा है ठीक है सो यहाँ पे मेरी जो टेंजेंट ड्रा करूँगा सर्कल पे वो मेरी डायरेक्शन शो करेगी अब क्योंकि मेरे पास टाइम इंटरवल काफी काफ़ी कम है सो इंस्टेंट स्पीड के लिए भी और इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए भी डायरेक्शन मेरी सेम रहेगी डायरेक्शन रिमेंस अनचेंज हैंस द इंस्टेंट स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी अब जो चीज़ हमने कही है इसको हम वर्डिंग में कैसे लिख सकते हैं लाइक दिस सिंस इंस्टेनियस वेलोसिटी द टाइम इंटरवल इन्वाल्व इज वेरी स्मॉल एंड अप्रोचिज टू जीरो द डायरेक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल कैन बी टेकन एज रिमेन अनचेंज्ड हैंस द इंस्टेनियस स्पीड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेनियस विलोसिटी ये हमारा हो गया एक्सप्लेशन इन वर्डिंग्स